नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अलग से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मम्मी आज वापस से आ गई है अपनी एक अच्छी सी पुराने ज़माने की स्टोरी लेके, जो मतलब पुराने ज़माने में जो घटनाएं घटती थी, भूतिया घटनाएं, डायनो घटनाएं, जैसी भी घटनाएं घटती थी, वो सब कुछ आज आप लोगों को पता चलेगा। उसमें से एक स्टोरी, सब कुछ नहीं, एक स्टोरी आप लोगों को आज पता चलेगा जो मम्मी आप लोगों को आज बताने वाली है। एक औरत थी, बहुत गरीब चाल में रहती थी, झोपड़ा में। उसका एक पति था और एक वो लड़की, एक ही लड़की उसके हुई, दूसरा लड़का उड़कर नहीं। अच्छा, मतलब बहुत गांव की कहानी है। हाँ, गांव की कहानी। हाँ। बहुत गरीब थी। हाँ। लेकिन वो डाइन सीखी थी, हाकल डाइन, बड़ी डाइन। एक छोटा डाइन होती है, डेढ़ अक्षरी बोलती है, ये बड़ा डाइन थी। हाँ। वो आदमी को जिंदा मार देती, मरा हुआ आदमी को जिंदा कर देती, मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक। हाँ, वाली बहुत खतरनाक वो डाइन वो सीखी थी। वो उसका लड़का नहीं था, एक ही लड़की थी। उसका आदमी खत्म हो गया कुछ दिन में, मतलब पति की भी मौत हो गई। हाँ, उसके बाद। हाँ, बिल्कुल अकेले हो गई डाइन। हाँ, और डाइन अकेले एक हो गई, एक लड़की बची थी। हाँ। वो लड़की के अड़ोस पड़ोस वाले शादी तय कर दिए, शादी उसको रचा दिए, शादी हो आया अपरात अच्छा से, उसको शादी हो गया। अब वो सोची डाइन कि यदि जो मेरा लड़की चली जाती है। हाँ। तो हम अकेले पड़ जाएंगे, कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा, कैसे रहेंगे। हाँ। तो उसको मन में ऐसे आया कि क्यों ना दामाद के मार दे, फिर लड़की मेरे साथ रह जाएगी। मतलब उसके दिल में खोट आया कि हाँ, हाँ। मेरी लड़की मुझे छोड़ के चली गई तो मैं बिल्कुल जिंदगी में अकेले हो जाऊंगी। अब मैं किसी और के साथ, किसी और के मतलब भरोसे रह भी नहीं सकती मैं, खाने पीने के लिए भी किसी से मांगना पड़ेगा। हाँ, हाँ, वो रह जाती। तो वो लड़की वो मजदूरी करके लाती ना। हाँ। तो माँ बेटी बनाती खाती, अपना कैसे दिन निकलते। अब वो सोची कि ये चली जाएगी, अब हमारा क्या होगा। बस वो रात में दामाद सोया था ना, तो देखी बस वो दामादे के मार ली, अपने दामाद को ही मार डाली। उसको प्राण। वो जो अंगना में वो शादी ब्याह होता है ना, तो एक कलश रखते हैं। हाँ। मिट्टी का कलश बना हुआ होता है, उसी में पानी रखते हैं, उसके ऊपर दिया धर के जलाते हैं। उसको मार के वही पानी के मटका में वही वही छिपा दी प्राण उसको, मतलब उसकी जान को निकाल हाँ, के मटका में डाल दी। हाँ, मटका में उसी में डाल दी उसको, बंद कर दी। तो अब वो बोल के लाश जाने के बाद तो उसको नो एथी करती, भेजती नो अपने कस बस में करती। हाँ, हाँ। बस वो सुबह हुआ हल्ला होने लगा कि यारे उसका दामाद मर गया, दामाद मर गया, डाइन का दामाद मर गया, पूरे हल्ला हो गया। तब कोई वही में कोई कोई कहता कि यारे कोई देख के अच्छा तांत्रिक मांत्रिक लाओ ना, उसको देखो क्या हुआ, रात में तो अच्छा था शादी हुआ, हाँ, कैसे हाँ। मर गया। तो आया वो तांत्रिक, तो बोला वो बहुत जगता था, तो उसको मारे दोता बड़ा, बोले कि तू अपने डाइन अपने दामाद को खा गई। तो डायने तो ऐसा करती है, बोलते हैं ना डायने तो मतलब अपना घर नहीं छोड़ती तो हाँ दूसरों हाँ क्या छोड़, अपने बेटे तक को खा जाती है डायने। हाँ बस वो क्या थी कि हाँ। वो बोले कि वो कलश उघारो ना, उसका ढक्कन ऊपर करो, देखो अभी जी जाएंगे, उसमें प्राण छिपा कर रखी है। अच्छा, मतलब वो तांत्रिक बाबा को हाँ पता हाँ था। बस वो जब उठाए ना उसका ये थी, तो प्राण आके उसमें पड़ गया, फिर वो हिल डुल गए, हिलने लगा, जान आ हल्ला गई हो उसके गया अंदर। कि अरे तू जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। ऐसे करके लड़की को गांव वाले इसको मार के कमरे में बंद कर दिए और लड़की को विदाई कर दिए। मतलब वो जो डायन की बेटी थी हाँ हाँ फाइनली अपने घर से चली गई, अपने हाँ उसको ससुराल। विदाई, ससुराल चल गई। वो कभी नहीं आती, और मायके में माँ के पास कभी नहीं आई। अच्छा। अब ये धीरे धीरे भीख मांग के खाते खाते ये ज्यादा बुढ़ी हो गए। अच्छा। अब इसको हाथ पाँव ज्यादा नहीं चलता, दरवाजे पर रहती, बैठ के रहती, और बोलती कोई जाता तो बोलती कि बाबू थोड़ा हमको कुछ खाने के दे दो, बाबू हमको थोड़ा कुछ खाने के दे दो। बहुत आदमी देता है, बहुत आदमी डाइन के डर से भग जाता है, कह रही डाइन है, मार देगी, अपने दामाद को मार दी, नहीं छोड़ी तो हम लोग का क्या करेगी। हाँ। नहीं नहीं इसको नहीं देंगे। कोई ढीठ आदमी होता तो कुछ दे देता। हाँ, आज होते हैं गांव में ऐसे लोग हाँ आज जो कोई डायनो से बात करने पहले डरते हैं। हाँ डरते हैं वो, तो कुछ बच्चे लोग तो कोई जाने नहीं देते। तो एक आदमी के बगल में बारात जा रहा था, वो शादी बारात सज के जा रहा था, उसके घर में खाना वाना बन रहा था, मेहमान लोग आए खाए पिए, बारात जाने लगा। तो उसके घर में एक लड़का से बोले कि बाबू थोड़ा हमको खाना दे दो ना। तो लड़का भग गया, बोला कि हाँ हम बारात जा रहे हैं, इसको खाना लाएंगे कौन। हाँ। तो लड़का जा रहा था वो शादी वाला, तो बोले कि अरे बाबू हमको थोड़ा खाना दे दो ना, तब जाओ ना तू शादी करने के लिए। तो बोले कि हम जा रहे हैं नहाने के लिए, तैयार होने के लिए, मेरा शादी है। वो भी मतलब लड़के ने खाना नहीं दिया, उसने खाना मांगी, भूख लगी थी डाइन को तो। हाँ वो हाँ। खाना मांगी, खाना नहीं दिया। तो वो क्या की कि बारात तो ठीक है चला गया। जब वहाँ गया ना बारात,
तो वहाँ जब गया शादी के समय मंडप पर बैठा ना, तो वही लड़का गिर के मर गया। मतलब डायन ने इसका भी काम तमाम कर दिया। हाँ, इसको साथ में लगा दी नो, वो अपना जितना भूत बैताल था साथ में लगा दिए। वहाँ गया लड़का शादी के समय, वहीं मर गया। अब वहाँ हुआ कि क्या हुआ क्या हुआ, अब ये लड़का तो मर गया, जो इससे खाना मांगी वो तो मर गया, कौन बताए कि वही की है वही की है। लेकिन वहाँ से बरात वापस आया, वापस आया तो सब लोग बोल रहे थे कि तू ही नहीं तो पहले तो वो चला गया बरात, उसके बाद एक मरा हुआ कोई मरा हुआ था तो लाश जा रहा था। तो वो डाइन बोली कि बाबू हमको बहुत तेज भूख लगा है, हम दो दिन से नहीं खाए, हमको कुछ खाना दे दो उसके बाद लाश लेके जाओ। उसी में कुछ लोग जा रहे थे, वो बोले थे कि ठीक है, अरे लाश तो जा रहा है लेकिन ये बुढ़ी कितना देर से भूखी होगी, ला दो थोड़ा सा एथी कर दो। तो कोई कुछ खरीद के दे दिया उसको खाने के लिए, वो खा ली तो उसको आत्मा की शांति मिला। तो क्या कि उसके अपने जन मंत्र से, वो नया आदमी था, उसको अपने भूत जो मार मार के रखती है ना, वो प्राण मार मार के बहुत आदमी को वो अपने पास में रखती है, बहुत लोग की आत्मा को अपने चंगुल में रखती है। हाँ, चंगुल में रखती है। तो वो प्राण उसको डाल दी, वो नया आदमी था, वो जिंदा हो गया। वो नया आदमी जिंदा हो गया। उधर से बरात लौट के आ गया कि वो लड़का मर गया। अब वो लोग धर पकड़ मार, वही में कोई बोला था कि वो खाना मांगी थी खाना नहीं दिए, इसलिए वो जान वो मार दिए लड़का को, धर पकड़ मार और सब थी कि न। तब वो बोली कि हम खाना मांगे, हमको खाना ये नहीं दिए, इसलिए मैंने उसको मारा। हाँ, हमको भूख लगा था तो नहीं दिए, तो हम क्या करें, हमसे थी हो गए हैं ये लोग, जाके हाँ ये लोग जाके मार देते हैं, इन लोग का खाना नहीं मिलेगा तो मार देंगे ना। उसने ऐसा बोली कि भूत प्रेत जो मेरे अंदर रहते हैं अगर उनको मैं खाना नहीं दूंगी तो वो लोग को मार डालते हैं। हाँ, लोग के मार देते हैं ना। तो क्या कि उस पर धर पकड़ सब चीज थी, उसका हावी जाबी सब लोग किए ना। तो क्या कि उसको लड़का को जिंदा कर दे, वो भी लड़का बच गया। ये जो नया आदमी मरा हुआ था, इनको लाश जलाने के लिए जा रहे थे, लेकिन इसको जब जिंदा कर दे तो इसको ले जा करके एथी कर दे, उसको अपने घर में रख लिए। मतलब जिस इंसान को जिंदा के थे, जिसके लाश को जलाने के लिए जा रहे थे पहले से, हाँ, हाँ। तो उस इंसान ने उनको इतनी दया है उसके ऊपर कि बेचारी हाँ, बुद्धि है, अपने घर ले गए, अपने घर ले जाके एक झोपड़ा में रख दिए। उसको खाना दाना उसको देते, उसको अच्छा से कपड़ा लता सब देते, अपने घर में रख लिए, क्योंकि उसके घर में खुशी हो गया ना, किसी को जिंदा किया, जिंदा हो गया तो खुशी हो गया। लेकिन जब वो बुढ़ी पूरे एकदम वो मरने लायक हो गई ना, तो उसको तो कोई के मार चल नहीं पाती नो, तो वो लोग को बहुत दिक्कत होता है तो मरने में, तो मर नहीं पाती ना। तो वो लोग भूत आते नो, मांगते हमको खाने के दो, तो भुन 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 शाम होता ना, कहती जा जा हम कहाँ से दे, ऐसे दे नोच नोच फेंकती, मतलब शाम से उनको उनके शरीर में बेचैनी होने लगती, बेचैनी होने लगती, नोच नोच फेंकती कि जाओ जाओ हम कहाँ से दे, जाओ जाओ हम कहाँ से देंगे। और लोग नोचते, सुबह लोग देते थे ना तो कट कट गया होता हाथ में, मतलब गर्दन उनके पर शरीर कटा रहा, उसको शरीर को वो लोग काट काट देते ना कि हमको खाना दो। जो मार मार के डाइन रखती है ना अपने पास, वो क्या करते कि अंत में ना जब उन लोग का पैर नहीं चलता है ना, जब वो बैठका हो जाती है, किसी को नहीं मार, वो जो मारते हैं तो वो तो खून चूस लेते हैं ना, उसी से तो उन लोग का भोजन होता है ना, जो भूत बैताल होते हैं जिसको मार लेते हैं तो नहीं मिलता ना, तो लास्ट में उस उन लोग का बहुत गंजन हो करते हैं ना, वही लोग भूत जो मारी थी ना उसी उन्हीं के नोच नोच खाते वो लोग। लेकिन काट देखा जाए तो इस केस में बहुत अलग था कि मतलब किसी डायन ने भी ऐसा काम कर दिया, किसी को जिंदा कर दिया और किसी को मार दिया, किसी को मार दी। मतलब डायनों की जिंदगी ऐसी ही होती है, और अभी भी गांव में है जो हमारे गांव में भी तो हम वैसा बता नहीं सकते कि हमारे गांव में कहां कहां है, लेकिन है हमारे गांव में, जिससे बात करने से पहले डर लगता है है ना। अभी इस बारी में गांव में गई थी 3-4 महीने पहले, तभी मैं मेरे को ऐसा लगता कि यार बात कैसे करूं मैं, कुछ कुछ डायने हैं जिनसे बात करने से पहले मैं देखती थी, मैं रास्ता चेंज कर लेती थी, मैं सोचती मैं मुंबई में रहती हूं, कुछ कर दी तो। ऐसे करते हैं ना कि मर्दाना टोनहा होते हैं ना, तो भैंस गाय लोग दूध निकालते है ना, आके देख देखते तो टप्पा वो भाग जाती है, दूध नहीं देती है, दूध सूख जाता है उन लोग का थान में, दूध भी तो नहा लोग ना, जो गाय भैंस होती है गाँव में उनका दूध सुखा देते हैं, मांगने आ गया ना तो कोई भी वो दे दे, देते ही हमको देते हैं। जमाना ऐसा है कोई भी खाना मांगे कुछ भी मांगे, तो कोई आदमी है उसको थोड़ा भूखा है, बेलाचार है, बुढ़ी है,
चाहे बूढ़ा है तो उसको खाना दे देना चाहिए, नहीं तो ऐसी हालत हो सकती है। किसी को क्या पता है कि इसके अंदर क्या गुण है, हाँ। ये अच्छा आदमी इंसान है कि ये टोना वाला है कि जादूगर है, हाँ। उसको दुआ लग जाएगा कि वो कर देगा, वो नजर भी लगा देते हैं। लोग बोलते हैं कि इसका दुआ शराब पर गया, शराब पर गया, वो लोग नजर भी लगा देते हैं। इसीलिए कोई खाने कुछ मांगता है तो मांगे ना, हाँ, तो कोई भी जी हो कितना हो लेकिन इतना उसको खाना दे देना चाहिए, क्योंकि नहीं पता कि आपके साथ कब क्या हो जाए। हाँ, तो वो बच्चे लोग उन लोग का खुशी था कि मैं शादी में जा रहे हैं तो कैसे हम इसको खाना कहाँ लाके दे, इसको दे, लोग बहुत खुशी में बच्चे लोग रहते हैं ना, तो वही वही इतना दुर्घटना थे। यही कहते हैं ना कि डाइन भी अपने दामाद को नहीं छोड़ती, और तो और है, अपने बेटे तो को नहीं छोड़, दामाद क्या छोड़ेगी। मतलब आप लोग बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। मम्मी बहुत अलग स्टोरी सुनाती है जो पुराने जमाने की होती है, पुराने पुराने जमाने बहुत अलग अलग सी होती है। आप लोग बताना आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे हैं कि नहीं, और पसंद आ रहे तो प्लीज लाइक कर दिया करो, और ज्यादा से ज्यादा देखो कि मम्मी के साथ और वीडियोस बना के लाऊं मैं। और अभी तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक कर देना, बोल ही दी हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।